लॉकडाउन के बाद आज पहला अनबॉक्सिंग वीडियो मैं अपने चैनल पे आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ इस Realme Powerbank का, जो कि Realme Powerbank 2 के नाम से आता है और 10000mAh का ये Powerbank है। और इसे मैं परचेज इसलिए किया ताकि मैं आपके लिए इस Realme Powerbank 1, जो कि ये भी 10000mAh का ही है, इसके साथ कंपेयर कर सकूँ, क्योंकि दोनों के फीचर्स बिल्कुल सेम है। चार्जिंग स्पीड भी, आउटपुट भी, पोर्ट भी, सब कुछ सेम है। लेकिन Realme का ये जो पावर बैंक है, जो फर्स्ट पावर बैंक है, इसका प्राइस 1300 रुपए था और इसका प्राइस 1000 रुपीज है। तो जब सारा कुछ सेम है, सारे फीचर्स सेम है, तो फिर 3000 का गैप क्यों? तो यही जानने के लिए मैं ये परचेस किया हूँ और बहुत ही जल्द कंपैरिजन वीडियो भी लेकर आऊंगा आपके लिए। लेकिन अभी फिलहाल इसे अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या बॉक्स कंटेंट वगैरह दिया गया है। तो दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश, आप देख रहे हैं Flagshipzone। चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो ये है दोस्तों Realme की तरफ से आने वाला Realme का पावर बैंक 2, और ये मुझे सेम पावर बैंक लग रहा है। सारे फीचर्स भी जो ये पावर बैंक था Realme का पहला, बिल्कुल सेम टू सेम ही लग रहा है। तो इसे फिलहाल साइड करते हैं और अगर इसे पीछे की तरफ इसमें देखा जाए तो इसमें आपको कुछ इसके फीचर्स के बारे में बताया गया है। तो अगर प्राइस देखना है तो प्राइस आप देख सकते हैं, प्राइस यहाँ पे मेंशन है 1299 का, और 1299 का प्राइस जो फर्स्ट पावर बैंक था उसका भी था, लेकिन फ्लिपकार्ट के साइट पे जो है वो 999 में अभी ये सेल किया जा रहा है, और ये सिर्फ सिंगल कलर में है, अभी सिर्फ ब्लैक कलर में दिया जा रहा है। तो चलिए जल्दी से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसे मैं बाहर निकाल रखा हूँ अब, और देख सकते हैं इसमें ये पावर बैंक है, और इसे साइड में रखते हैं, और ये एक यूज़र मैनुअल है, और यहाँ पे एक डेटा केबल है जो टाइप सी पोर्ट के टाइप से इसमें दिया गया है। ये यहाँ पे एक केबल है और बाकी इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है। तो ये टाइप ए टू सी पोर्ट है। अगर आपका जो स्मार्टफोन है वो टाइप सी पोर्ट सपोर्ट करता है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, एल्स आप यहाँ से इसे हटाकर आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा पोर्ट यूज़ किया गया है। अगर क्वालिटी के बारे में बात किया जाए तो मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ आपको, Realme का जो ये रेड कलर में है, इसका क्वालिटी ऑसम है। ये इतना इनहैंड फील अच्छा नहीं लग रहा है, ये मतलब इस तरीके से है, और ये मैट फिनिश के साथ में आता है। तो दोनों का जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही डिफरेंट है, बट पर्सनली आई लाइक रेड वन। तो खैर, अभी इसे साइड करते हैं, और अगर नीचे की ओर आप इसमें देखेंगे तो 10000mAh लिखा हुआ मिल जाएगा, और कुछ और भी लिखा हुआ है जो कि आपको दिखेगा नहीं, लेकिन इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो सारा मेंशन किया हुआ है आप। और यहीं अगर आप ऊपर में देखेंगे तो आपको एक USB टाइप सी पोर्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पे लाइट इंडिकेटर है, अभी ये फिलहाल एक पॉइंट शो कर रहा है। तो यहाँ से पावर ऑन ऑफ बटन है, और एक टाइप सी पोर्ट है, और यहाँ पे डेटा केबल यूज़ करने के लिए एक पोर्ट यूज़ किया गया है। तो पूरे पावर बैंक में सिर्फ यही दो पोर्ट है और कुछ भी नहीं यूज़ किया गया है। तो दोस्तों, एक बार चार्ज करके भी देख लेते हैं। ये टाइप सी टू सी पोर्ट का केबल है मेरे पास में, तो मैं देख लेता हूँ चेक करके कि टाइप सी पोर्ट यूज़ कर रहा है या नहीं। तो यहाँ से मैं अपने फ़ोन में इसे प्लग इन करता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं, 1 घंटे 22 मिनट लगेंगे अभी इस फ़ोन को फुल चार्ज होने में, जबकि अभी 22% बैटरी मेरे फ़ोन में रिमेनिंग है। वहीं अगर 0% पे होता तो आई थिंक कि ये 1 घंटे 40 मिनट या 45 मिनट में फ़ोन को फुल चार्ज कर देती, जो कि ये सैमसंग का नोट 10 प्लस है, और इसकी बैटरी कैपेसिटी जो है वो अराउंड 4300 की है। तो इसके लिए एक डिसेंट टाइमिंग है पावर बैंक से किसी भी स्मार्टफोन को, जिसका बैटरी कैपेसिटी 4300mAh है, उसे चार्ज करने का। तो ये तो टाइप सी टू सी पोर्ट से मैं चार्ज किया। अब एक बार एक काम कर लेते हैं, इसके साथ में जो पोर्ट, ये जो केबल दिया गया है, इसे यूज करके भी देख लेते हैं कि इस अगर इसे मैं इस्तेमाल करूं तब कितना टाइम शो करता है। तो इसे भी लगा कर देख लेते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं 1 घंटे 19 मिनट अंटिल फुल चार्ज, तो सेम ही है, ऐसा कुछ बहुत गैप नहीं है। तो चार्जिंग पोर्ट भी अच्छा वर्क कर रहा है, 18 वाट के अकॉर्डिंग सही वर्क तो कर रही है।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत ही जल्द मैं आपके लिए दोनों ही पावर बैंक का कंपैरिजन वीडियो भी लेकर आऊंगा कि कौन सा पावर बैंक पहले स्मार्टफोन को चार्ज कर देता है, क्योंकि मेरे पास दो फोन ऐसे हैं जिनका जो बैटरी कैपेसिटी है वो सेम टू सेम है और दो पावर बैंक भी ऐसे हैं जिनका जो आउटपुट है वो 18 वाट का है। तो देख लेते हैं, अभी कुछ दिन में ही, एक से दो दिन में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो अगर आप फ्लैगशिपज़ोन को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पे मिलता रहे। थैंक यू सो मच।